ये देखिए, जो मुझे अभी एक्चुअल कास्ट पड़ी 44,438 रुपये का पड़ा है। हालांकि एक मौका मैंने मिस कर दिया था, अगर उसको मैंने इस्तेमाल किया होता, एक कूपन आया था तो मुझे 2000 का और छूट मिल जाता। तो मेरा गाड़ी आ गई है, इसमें कुछ खास चीज़ें आई है। तो दोस्तों अभी लैपटॉप आ चुका है, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। आज दिन है मंगलवार, मंगलवार दिन है और अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन, कुछ काम है, कैंटीन से वापस आएंगे। तो अभी कैंटीन में पहुंचने वाले हैं जस्ट ही, अभी देखिए किनारे किनारे चल रहे हैं सड़क के, और इधर साइड सीएसएफ की कैंटीन है, वहाँ चलेंगे हम लोग। सीएसएफ कैंटीन में डीएमआरसी वालों का एक्सेस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड दिखा के अंदर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर वेट कैंटीन है जहाँ पे खाना खा सकते हैं, और सामान खरीदने के लिए कैंटीन है जहाँ से आप कुछ भी अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो चलिए जस्ट चलते हैं, ये हम कैंटीन के पास पहुंच गए हैं। सामान की खरीदारी करके सब आगे चल रहे हैं, इसमें डाल के ले चल रहे हैं। कितनी कितनी मेहनत से इसको ढो के ले चल रहे हैं, खाने पीने का जुगाड़ हो गया है। निकाल दीजिए, आराम से संभाल के चलिए, संभाल के। तो ट्राली बैग अभी आगे चल रही है, सामान गिर गया था। और ये लैपटॉप और ईयरफोन का बैग, कार फाइनली अपने कंधों पे जिम्मेदारियां उठा लिए हैं। फर्स्ट टर्न बिल्कुल अंधेरा है, देव ताला खोल रहे हैं। तो दोस्तों अभी सेटअप बॉक्स तैयार हो चुका है, आज चल रहे हैं हम अनबॉक्सिंग करने लैपटॉप का और ईयरफोन का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज हम आपको दो चीजों का रिव्यू देने वाले हैं, जो कि हमने एक लिया था लैपटॉप और एक ब्लूटूथ ईयरफोन वन प्लस का। तो इन दोनों चीजों को आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। देखिए डिब्बा उब्बे भर लिए हैं आप लोग के लिए, हालांकि मैं पहले खोल दिया था इसको। तो सबसे पहले पहला प्रोडक्ट निकालते हैं, ये वन प्लस का वायरलेस ब्लूटूथ, जो कि किस तरीके का है, ब्लैक कलर का है, मैं भी दिखाता हूँ। मैं आपको इन सारी चीजों के कास्ट और कैसे कैसे मैंने लिए थे वो सारी चीजें भी बताऊंगा। तो ये देखिए, ये इसका ऊपर का व्यू है, और ये है हमारा वन प्लस का ईयरफोन जो कि ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होता है। इसको निकालते हैं, तो इसका अगर हम आपको बिल दिखाएं तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा। ये है, ये ब्लूटूथ हो गया। इसके साथ साथ हमें कुछ और चीजें मिलती है, जैसे इस छोटे वाले बॉक्स में रखा है इसका ये अडाप्टर चार्ज करने के लिए। बाकी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वही आप जान ही रहे हैं, जो सारी चीजें इसके बारे में दी हुई है, कैसे इसका फंक्शन होता है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। इसकी खास क्वालिटी ये है, इसको जब आप ऐसे चिपका देंगे तो ये बंद हो जाएगा, ओपन करते ही आप जिस मोबाइल से कनेक्ट किया जाएगा रेडियो से कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो इसको सर्च करके कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें चालू बंद करने की कोई जरूरत होती नहीं है, इसको बस आप चिपका दीजिए बंद हो जाता है। आइए अब आपको इसकी सबसे खास बात बताते हैं, जिसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले आप ये देखिए, चार्ज फॉर 10 मिनट एंड एंजॉय फॉर 10 आवर्स, ठीक है। 10 मिनट चार्ज करके आप 10 घंटे का यूज कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट फुल चार्ज हो जाता है। और इसका जो बैटरी लाइफ होता है, ये देखिए इसमें लिखा है 17 घंटे का बैटरी लाइफ होता है। और क्या है, बॉस को बूस्ट कर सकते हैं, 4-10 मिनट एंजॉय 10 आवर्स हो गया, क्लियर एंड स्टेबल कॉल में बहुत मतलब स्मूथ रहता है। मैंने इसका उपयोग करके देखा, बहुत अच्छी बात होती है, ज़्यादा इसको मुंह के पास लाने की जरूरत नहीं होती, चाहे जितना दूर रहेगा आप बात जाती है। वाटर एंड स्वीट रेजिस्टेंस, स्वीट क्या है यार सर्च कर बताते हैं आपको। ये वाटर एंड स्वीट रेजिस्टेंस है, अब स्वीट मतलब मीठा मत समझ लीजिएगा, स्वीट मतलब पसीना होता है। तो वाटर एंड स्वीट रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैग्नेट लगा हुआ है, चिपक जाता है, मैग्नेटिक कंट्रोल है। तो इतने सारे फीचर्स थे इसमें जितना मुझे पता था, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो ये था तो हमारे बोट वन प्लस का रिव्यू। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो मेन प्रोडक्ट है, ऑसस। तो
ये मेरे ऑसस लैपटॉप का पूरा डिब्बा है, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये ASUS 10th जनरेशन का है, i4 i5 इसकी प्रोसेसर है। और थोड़ा सा इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये डिब्बा ओपन हो गया, पहले इसकी कवर उठाते हैं। आप देखिए, जैसे आप देखते थे चारकोल का लगाते थे, इस समय ये लोग इसी का बना देते हैं, चारकोल की जरूरत पड़ती नहीं है। साइड में इसका चार्जर दिया है, चार्जर का अडाप्टर है, और ये पूरा चार्जर है, ये वाला कनेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, इसको इधर रखते हैं। और अगर इसका हम आपको बिल दिखाएं, तो अभी देखिए ये जो बिल है 43,438 रुपये का इसका पड़ रहा है, लेकिन इसका जो नेट प्राइस है वो था 47,990 रुपये। जबकि मैंने कुछ बिग बिलियन डे पे कुछ छूट मिला था, और मैं लगाया था कार्ड ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो उस पर मुझे 3400 कुछ रुपए का छूट मिला था, तो कुल मिला के इतने का आया था 43,493 रुपए। इतना मुझे पेमेंट करने पड़े थे, बाकी 900 कुछ रुपए मैं अभी मुझे देने होंगे बैंक, वो बैंक अपने अलग से लेगा, बाकी इसका अलग से था। तो ये बिल का था थोड़ा। और अब हम आपको दिखाते हैं मेन चीज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो ये रहा इसका फर्स्ट व्यू, अभी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ये लैपटॉप है, इसको ओपन करेंगे आप सिंपली एक बार प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें प्रेस करके ज्यादा देर तक दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये ओपन हो गया, काफी फास्ट भी है। आप देखेंगे इसमें मैंने पहले से ही अपना फिंगर लगा के रखा है, इसको मैं बस ऐसे प्रेस करूंगा तुरंत ओपन हो जाएगा, कोड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोड डालेंगे तो कोड डाल सकते हैं, फिंगर इसमें है, फिंगरप्रिंट। बाकी काफी सारे अच्छे फीचर हैं, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। और अभी मैंने इसमें ये विंडोज 10 इसमें ऑलरेडी था, तो अभी जल्दी ही मैं नया विंडोज 11 आया था, तो उसको अपडेट करने के बोल रहा था, तो मैंने अपडेट कर दिया है। ये अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये विंडोज 11 है, विंडोज 11 का ये ऐसे आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। बाकी इसको मैं ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह से विंडोज 11 का इंटरफेस है। बाकी यहाँ पर नीचे सारे टास्क बार दिए हुए हैं। तो ये था ASUS लैपटॉप का रिव्यू। बाकी इसके बारे में और सारी चीजें, प्रोसेसर कैसे काम करता है, मतलब प्रोसेसर क्या है, कितने का, मतलब क्या क्या मेमोरी कैसी है, कौन सी मेमोरी है, सारी चीजें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें पूरा लैपटॉप के बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी तो मैं जनरल रिव्यू दे रहा था आप लोगों को। तो ये देखिए जो मुझे अभी एक्चुअल कास्ट पड़ी 44,438 रुपए का पड़ा है। हालांकि एक मौका मैंने मिस कर दिया था, अगर उसको मैंने इस्तेमाल किया होता, एक कूपन आया था तो मुझे 2000 का और छूट मिल जाता, तो मेरा 42,000 का पड़ जाता, लेकिन अभी मुझे 44,000 पड़ा है। इसमें एक अच्छा फंक्शन और भी है, अगर आप डायरेक्टली इसको बंद कर देते हैं तो स्लीप मोड में अपने आप चला जाएगा, इसके बाद आप ओपन करेंगे तो ये जनरली ओपन हो जाएगा, लेकिन इसको प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करेंगे तो ये चालू रहता है, स्विच ऑफ नहीं होता है, स्लीप मोड में चला जाता है, फिर आप अपना फिंगर लगाइए तुरंत ओपन हो जाएगा जहां से बंद रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। अगर आपको लैपटॉप के बारे में और कुछ चीजें जाननी है तो मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा जरूर, मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज, अगर आप इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं तो इसका जो फ्लिपकार्ट का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और बाकी इसका ईयरफोन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे मैंने परचेज किया था, तो आप लोग चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ईयरफोन का मैंने दाम नहीं बताया, मुझे 1600 कुछ रुपए का पड़ा था, और जनरली इसका रेट जो आप जानी रहे 1999 रुपए इस समय चल रहा है। सबसे ज्यादा बिकने वाला ईयरफोन ये है, मुझे तो लगता है कि वन प्लस वाले सबसे ज्यादा इसी से कमा रहे हैं इस समय, जितने लोगों को देखो सब लोग इसी को खरीद रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।